तो हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ट्रांसफार्मर क्या होते हैं और ये किस तरह से काम करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, ये दो प्रकार के होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो दोस्तों, ये दो तरह से इसकी वाइंडिंग होती है, कोर टाइप और शेल टाइप, इसमें जो वाइंडिंग की जाती है। तो दोस्तों, कोर टाइप जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसके अंदर हमारे लोहे के जो रॉड होते हैं वो दो तरह से, दो साइड से हमें वाइंडिंग करनी होती है, जैसे कि प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग इस तरह से होती है, जैसे आप फिगर में देख सकते हैं। और दोस्तों, जो हमारा शेल टाइप होता है इसके अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी जो वाइंडिंग की जाती है वो एक ही रॉड में की जाती है, उसका कुछ इस तरह से होता है, आप देख सकते हैं फिगर में। तो दोस्तों, हमारे घर में जो बिजली आती है वो आती है 220 वोल्ट एसी, जो हम अपने घर में यूज़ करते हैं। तो ये आती है 220 वोल्ट एसी। ये बिजली दोस्तों हमें कहाँ से प्रोवाइड होती है? ये बिजली हमें प्रोवाइड होती है हमारे इलेक्ट्रिक प्लांट से, जहाँ से बिजली हमारे घर तक पहुँचती है। अगर बिजली हमारे घरों तक ऐसे ही पहुँचाई जाए तो पावर लॉस का बहुत ही ज़्यादा खतरा हो जाता है, जिससे कि हमारे पास बहुत कम वोल्टेज आएगा तो बहुत ही ज़्यादा पावर लॉस होगा। तो इससे बचने के लिए जो है कि हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है हमारे बिजली विभाग के द्वारा। तो वहाँ पर जो है कि ट्रांसफार्मर लगाया जाता है जो कि 12 केवी को 400 केवी तक स्टेप अप कर देता है, उसके बाद फिर आगे जाने के बाद स्टेप डाउन का लगाया जाता है, 13 केवी करता है, फिर वो भी स्टेप डाउन करके हमें 220 से 240 वोल्ट एसी तक हमारे घर में पहुंचता है। तो अगली वीडियो में है दोस्तों कि अब हम बात करेंगे डीसी ट्रांसफार्मर के बारे में। तो डीसी ट्रांसफार्मर क्या होता है दोस्तों? ये जो ट्रांसफार्मर होते हैं ये हमें कई तरह से अवेलेबल मिलते हैं और ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि हाई करंट को लो करंट में कन्वर्ट करते हैं। ये कई टाइप के होते हैं, बहुत प्रकार के होते हैं, और ये 3 वोल्ट से लेकर 40 वोल्ट या उससे ज़्यादा तक भी आपको दे सकते हैं। ये ट्रांसफार्मर जो है दोस्तों, ये हमारे घरों में यूज़ होने वाले इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस में यूज़ किए जाते हैं, जैसे टीवी और डीवीडी और आरओ, कई चीज़ें हैं एक्सेट्रा जिसमें यूज़ होते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को।